जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो। इस बार अपन बात करेंगे यानी पढ़ेंगे इंडिगो। जैसा कि आप देख रहे हैं इंडिगो, यहाँ पर इंडिगो मीन्स होता है नील। तो पहले अपन इस चैप्टर को थोड़ा सा समझेंगे समरी में, फिर अपन चैप्टर स्टार्ट करेंगे, है ना। फिर अपन क्या करेंगे, इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। आराम से समझ में आएगा, बहुत ईजी चैप्टर है। इतना ईजी है क्योंकि गांधी का सबसे बड़ी बात, गांधी भाई का बर्थडे भी आ रहे हैं। चलो, तो गांधी जी का बर्थडे 2 अक्टूबर को, तब तक तो ये वीडियो बाहर हो जाएगी। हैप्पी बर्थडे टू यू गांधी। नील, नील होता क्या है? पहले के जमाने में माय डियर केवल एक ही कलर के कपड़े हुआ करते थे, व्हाइट। जैसा भी अपन रंग बिरंगे पहन रहे हैं, ऐसे कलर के कपड़े नहीं हुआ करते थे। तो वेराइटी कहां से लाए बंदा, तो नेचुरल कलर हुआ करता था नील। तो एक तो कपड़ों को रंगने में, कपड़ों को क्या करने में, रंगने में, है ना। और दूसरे इसके केमिकल और मेडिसिनल यूज थे, है ना, उनमें काम आता था। तो ये जो नील जो है यानी इंडिगो जो है, ये इंडिगो है क्या है, कमर्शियल क्रॉप। क्या है कमर्शियल क्रॉप, जानते हो, एसएसटी पढ़ के आए होंगे, व्यापारिक फसलें। कोई हिंदी थोड़ी कमजोर है, व्यापारी के नहीं होता है, व्यापार से रिलेटेड। जैसे गन्ना एक कमर्शियल क्रॉप है ना, एक मूंगफली खाद्यान्न तेल वाली, ये भी कमर्शियल क्रॉप है। अफीम एक मेडिसिनल और कमर्शियल क्रॉप दोनों है ना। क्यों? क्योंकि अफीम बंदा बहुत बिकती है, फुल ब्लैक से इतनी बिकती है कि फुल लोग बहुत तस्करी कर बैंक है। इसके अलावा और भी फसलें आती हैं, जैसे कपड़ा, जैसे कपास, कॉटन। कॉटन भी क्या है, एक कमर्शियल क्रॉप। तो माय डियर, ये नील जो थी, अब ये नील इंडिगो कृत्रिम नील भी होगी आगे, इस चैप्टर में आएगी सिंथेटिक इंडिगो, जर्मनी बना लेता उसको, ठीक है ना। तो किस तरीके से इसकी खेती करने वाले जो लोग हैं फार्मर्स, अब फार्मर कैसी पिक्चर है, फार्मर की पिक्चर ये है मित्रों, इसको समझो। यहाँ पे जैसे ये खेत है, इस पे ओनरशिप तो है किसकी, इंग्लिश की, इंग्लिश बोले तो ब्रिटिश लोगों की, लेकिन इस पे जो काम कर रहे हैं बंदे वो है इंडियन, और इन इंडियंस को बोला जाता है शेयर्स क्रॉपर। शेयर्स क्रॉपर यानी बटाईदार। जैसे मान लो ये एक बड़ा खेत है, इसके एक भाग करके उसने कह दिया कि रामलाल तू इसको संभाल, है ना। इसका एक और भाग करके कह दिया कि श्यामलाल तू इसको संभाल। अब संभालना का बात अलग है, संभालना तो ठीक है, लेकिन इसकी एक कंडीशन थी। जैसे मान लो ये 1000 बीघा के तार, इसको रामलाल को 100 बीघा दी गई। अब इसे एक शर्त करवाई कि इसमें तुझे 1/15 भाग पे, 1/15 भाग पे तुझे क्या करना पड़ेगा, क्या उगाना पड़ेगा, नील उगानी पड़ेगी, है ना। तो इसमें क्या होता था कि जैसे मान लो 15 बीघा में एक बीघा, सर एक बार फिर बताना, 1/15, 1/15 का मतलब होता है 15 बीघा का एक भाग, यानी 1 बीघा, 15 बीघा जैसे होगी उसकी, 1 बीघा पे अपन नील उगाएंगे। ये उसका रेंट की तरह था, यानी ये रामलाल से अंग्रेज लोग लेंगे प्रोडक्शन, मतलब वो जो 1/15 है उसको वो ले लेंगे, बाकी उसका 15% सॉरी 1/15 क्या 15% ओनली 15% की बात, 320 है वो, क्योंकि सर इतने 15 न्यू है वहां पे 320 और 1/15 मुझसे मिस्टेक हो गई, है ना। 320 वाले भाग पर वो करवाते थे 15% पे, क्या करवाते थे, खेती। यानी 100 बीघा अगर है उसके पास, तो 100 बीघा का 15% होगा 15 बीघा, तो 15 बीघा वाले भाग पर वो क्या उगाएगा, नील। लेकिन इस नील की एक बीमारी, एक जगह जब ये उग गई तो उस जगह दूसरी फसल नहीं उगी, और फिर ये खुद भी नहीं उगी। तो इससे क्या होता था, इसको अदर जगह उगाना पड़ता था। जैसे एक साल यहाँ उगा लिया, फिर अगले साल यहाँ उगाना पड़ेगा, फिर तीसरे साल अगले यहाँ उगाना पड़ेगा, फिर यहाँ उगाना पड़ेगा। यानी 5 या 6 फसलों में किसान के खेत की ऐसी की तैसी हो जाएगी, जमीन की पूरी धज्जा उड़ जाएगी। इस वजह से परेशान थे ये लोग पार। और सबसे बड़ी बात, ये जो नील होती थी इसका 1 रुपया भी नहीं देते थे वो, और अंग्रेज पूरा का पूरा एज पूरा प्रोडक्शन एज क्या ले लेते थे, रेंट, उसकी बात है, ठीक है। अब इसी कंडीशन पे क्या होता है, गांधी भाई आते हैं वहां से, ये सारी बात कहाँ की है,
ये बिहार के चंपारण नामक जगह की बात है। अभी भी चंपारण है, चंपारण दो चीजों के लिए फेमस है, एक तो नील के ये सत्याग्रह हुआ था जो गांधी जी ने करवाया था 1917 में, ठीक है, और दूसरा चंपारण मीट मटन, चंपारण का मटन। चंपारण का मटन माय डियर इतना फेमस है, ये घड़े में बनाया जाता है। अरे हाँ, सुना है, सुना है। ऊपर मिट्टी, ऊपर रोटी, रोटी आटा, आटे से पेक कर देते प्रेशर कुकर की तरह, इसके अंदर पकता है। अच्छा, लसन वसन सब अक्के आके के आके। भाई देखो, मैंने खाया तो नहीं, लेकिन मैंने जिससे भी सुना है कि नंबर एक। तो माय डियर, चैप्टर शुरू करते हैं। मेरी बुक कहाँ है? आराम से पढ़ेंगे, अच्छे समझ में आएगा चैप्टर। लुईस फिशर, ध्यान देना, लुईस फिशर उन बहुत ही कम विदेशी राइटर्स में से है जिन्होंने गांधी के ऊपर लिखा। गांधी को वैसे विदेशी राइटर पसंद थे, लियो टॉलस्टॉय को बहुत पढ़ा उन्होंने, सर आर्थर कैनन डॉयल को भी पढ़ा उन्होंने बहुत। सर आर्थर कैनन डॉयल आपके, जब आप बड़े हो जाएंगे, अगर आपने लिटरेचर तब तो क्या लोगे, वैसे बदल सकते हो तुम सब्जेक्ट चाहो, है ना। तो माय डियर, पेज नंबर 46 इंडिगो, अच्छा चैप्टर, पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं पढ़ूंगा इनका ये कवि परिचय, थोड़ा सा काम आता है। लुईस फिशर 1896 में इनका जन्म हुआ, 1970 में इनकी मृत्यु। इनका जन्म हुआ फिलाडेल्फिया, फिलाडेल्फिया एक जगह का नाम है ना, प्लेस का नाम है, जैसे कोटा वैसे। ही सर्वड एज अ वॉलंटियर इन द ब्रिटिश आर्मी बिटवीन 1918 एंड 1920। 1918 से लेकर 1920 तक इन्होंने ब्रिटिश आर्मी में मन से ही, वॉलंटियरली नहीं होता है, अपने मन से इन्होंने काम किया। जबरदस्ती कोई ने भी नहीं करी, जैसे जबरदस्ती कहाँ होती है मैं बताता हूँ। जबरदस्ती होती है नॉर्थ कोरिया में, सेना में भर्ती होना ही पड़ेगा। जबरदस्ती होती है इसराइल में, इसराइल में कि 2 साल के लिए 3 साल के लिए आपको सेना में रहना ही पड़ेगा, लड़का हो या लड़की सबको रहना पड़ेगा। ऐसे कई सारे देश हैं यहाँ पर जहाँ पे अनिवार्य कर रखा है कि आर्मी में ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, और होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए समझो, आप लोग समझे, इसका एक सबसे बड़ा ये है कि जब तक आप देश के लिए लड़ोगे नहीं ना, तो आपको देश की इंपोर्टेंस समझ में नहीं आती। आज अपन ढूंढते हैं अपराधी गद्दार, कहाँ मिलते हैं अपने देश, सिंपल सी समझ। इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। अगर हर एक बंदा आर्मी में जाएगा, वहां के उस रिगेरियस ट्रेनिंग से गुजरेगा कि नीचे यूं चलना है, ऊपर कटीले तार है, तो उसे पता लगेगा कि इंपोर्टेंस ऑफ कंट्री क्या है। यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या यही है, हम लोग इंपोर्टेंस देते ही नहीं देश, हम समझते हैं वो देश का टुकड़ा क्या है। कई सारे ऐसे नेता है हमारे भारत में जो कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे, ऐसे लोग, कन्हैया कुमार की बात कर रहा हूँ, JNU में जब पढ़ता था, पब्लिकली बोल रहा हूँ, बहुत बड़ी बात है। उसने कह रहा है ऐसा, ऐसे नारे लगाए तो देश विरोधी नारे लगाते हैं लोग। फिशर मेड अ करियर एज अ जर्नलिस्ट एंड रोट फॉर द न्यूयॉर्क टाइम्स। फिशर ने क्या करा, एज अ करियर बनाया अपना, किस चीज को बनाया करियर, जर्नलिज्म, जर्नलिज्म मतलब रिपोर्टर के रूप में, ठीक है ना, और न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए काम किया। न्यूयॉर्क टाइम्स एक अखबार का नाम, जैसे पोपटलाल काम करता है, किसके लिए काम करता है बताओ, दुनिया ही ला देगा वो, है ना। द सैटरडे रिव्यू के लिए भी काम किया, और फॉर यूरोपियन एंड एशियन पब्लिकेशंस के लिए भी काम किया, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग जगह पे काम किया। ही वॉज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ द फैकल्टी ऑफ प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में एक फैकल्टी के रूप में भी काम किया इसने, फैकल्टी मतलब पढ़ाया इन्होंने यहाँ पे, टीचिंग भी की। द फॉलोइंग इज एन एक्सपर्ट एक्सेप्ट फ्रॉम हिज बुक, उसकी किताब से ये अंश है, ये वाला अंश, ये जो भाग अपने अपन पढ़ेंगे ना, ये गांधी के ऊपर बहुत ही महान किताबों में से एक है। क्या नाम है इस गांधी के, मतलब इस किताब का, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, इस नाम से उसने किताब लिखी थी, उसका अंश है ये जो अपन पढ़ेंगे। द बुक हैज बीन रिव्यूड एज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स एवर रिटन ऑन गांधी बाय टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट, टाइम्स एजुकेशनल पत्रिका के द्वारा ऐसा कहा गया है कि ये उन बेहतरीन किताबों में से एक है जो गांधी के ऊपर लिखी गई है। गांधी के दिन बंदर बनाएंगे सही ना, वो गांधी के फेमस नहीं थे, गया गांधी ने बोला तो था, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो,
लेकिन हमें इस चीज पर फोकस नहीं करना है, हमें गांधी से जस्ट उलट पे काम करना है। ये चीज ध्यान रखना, हमारा ब्रेन ऐसे काम करता है। अगर हम उसको बोलेंगे कि बुरा मत देखो तो वो बुरा ही देखेगा। आपको करना है अच्छा देखो, अच्छा सुनो, अच्छा करो, इस पर फोकस करो। नेगेटिविटी पर फोकस मत, बोले नेगेटिव में ही अगर ना फोकस करेगा ना, आज देख लो आप अपने यहाँ बैठे कितने सारे लोग बैठे हो, हम रोज सोचते हैं कि हम ये काम नहीं करेंगे जो बुरा है, लेकिन फिर भी करते हैं। जैसे टाइम वेस्ट करना, कल से तो मैं पढ़ूंगा, कहाँ पढ़ते हैं? कल से यार टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, कल से यार टाइम वेस्ट नहीं, कल से मैं पढ़ूंगा, कल से मैं टाइम का यूज करूंगा। ये पॉजिटिव एस्पेक्ट होना चाहिए आपके लाइफ में। पॉजिटिव एस्पेक्ट होंगे तो पॉजिटिवली रिजल्ट निकलेगा, ठीक है। तो चलो चैप्टर को खत्म करते हैं। ये आई जो आया ना, ये लुईस फिशर के लिए आया है, गांधी के लिए भी इसमें ही आएगा, राजकुमार शुक्ला के लिए भी ही आएगा, ठीक है। When I first visited Gandhi in 1942, जब मैं पहली बार गांधी से मिला था, कब मिला था? 1942 में मिला था। अब जैसे आपने कई बार देखा होगा, चैप्टर्स जो होते हैं वो फ्लैशबैक में जाएंगे। अभी 42 चल रहा है, कि कहानी बताएंगे कब की, पुरानी। जैसे MS धोनी अनटोल्ड स्टोरी देखी, उसकी शुरुआत ही होती है वो छक्का मारते हुए आते हैं, बैटिंग करने के लिए आते हैं धोनी भाई, और वहां से स्टार्टिंग होती है। जो कि स्टार्टिंग कहां से होनी चाहिए थी, जब वो पैदा हुए थे, लेकिन वो फ्लैशबैक में जाती है कहानी। ऐसे ही गांधी से मिलने ये जो राइटर है लुईस फिशर 1942 में जाता है, कहां जाता है? आश्रम। और आश्रम कहां है? सेवाग्राम। अभी सेवाग्राम कहां है? सेंट्रल इंडिया, कहीं ना कहीं पे सेंट्रल इंडिया, वहां पे जाता है ये गांधी से मिलने। ही सेड, वो कहता है जाती, ही सेड मतलब होता है गांधी ने कहा था इनसे, आई विल टेल यू हाउ इट हैपेंड, कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये कैसे हुआ। कौन सी चीज? ये वाली, That I decided to urge the departure of the British. कि भाई मैंने कैसे कहा कि मैं ब्रिटिश लोगों के डिपार्चर के बारे में कैसे कहा, कैसे मैंने ये चीज हुई और क्यों क्या नाम से इसका डिपार्चर ऑफ ब्रिटिश होने लगा हमारे यहाँ से। अर्जेंट होता है बहस करना, बोलना। इट वॉज इन 1940, 1917, ये कब की बात है? 1917 की बात है, ठीक है। अब कहानी 1917 में चली गई, मैं कहाँ चली गई कहानी, कहाँ चली गई? 1917, ठीक है ना। He had gone to the December 1916 annual convention. Convention बोलते हैं अधिवेशन, मीटिंग। चलो आपने हिस्ट्री तो पढ़ी होगी, एक क्वेश्चन है आपसे, कांग्रेस की स्थापना कौन से ईयर में हुई है ना? 1885 दिसंबर। मैं आपको डेट तो नहीं बता सकता, लेकिन दिसंबर महीना बता सकता हूँ, क्योंकि मैं भी एक हिस्ट्री का विद्यार्थी नहीं रहा, बस ज्ञान है थोड़ा सा, अच्छा बता देता हूँ। 1885 से हर साल 1886, 1887, 1888 वार्षिक सम्मेलन होता है इनका, हर साल दिसंबर में होता है मोस्टली, ठीक है ना। अब ऐसा ही एक सम्मेलन कहां पे हुआ? 1916 में हुआ। कहां हुआ? इंडियन नेशनल कांग्रेस का हुआ ये, कहां पे? लखनऊ। कौन सी जगह हुआ? लखनऊ। ध्यान रखना, मैं ये क्वेश्चन पूछूंगा, हो सकता है इसकी वीडियो बनाऊ तुमसे, यानी क्वेश्चन की वीडियो बनाऊंगा वन वर्ड की, तुम्हें उसके आंसर मुझे लिख कर लेके आने, ये भी करूंगा मैं, बहुत कुछ करूंगा, है ना। देर वर, तो जो उस 1916 के अंदर जो अधिवेशन हुआ था, वो मीटिंग हुई थी ना, उसके अंदर क्या हुआ था? देर वर 2301 डेलीगेट्स, डेलीगेट बोलते हैं यहाँ पे नेता लोग, है ना, छोटे मोटे ख्याति प्रद लोग, नेता लोग थे वहां पे 2301, एंड मेनी विजिटर्स, और कई सारे विजिटर्स भी वहां पे अवेलेबल थे। विजिटर्स जानते होंगे मनकड़े, है ना, बहुत सारे बंदे। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स, बातचीत करते समय, इन क्या नाम से स्टेटमेंट चलते समय, जब वहां पे जो कार्य चल रहा था उस समय, गांधी रिकाउंटर, गांधी याद करते हैं, क्या याद करते हैं? कि अ पीजेंट केम अप टू मी लुकिंग लाइक एनी अदर पीजेंट्स इन इंडिया, कि एक पीजेंट, एक किसान मेरे पास आता है, बिल्कुल और किसानों की तरह ही दिख रहा था वो, कैसा कैसा दिख रहा था? अब आ गया है, पुअर एंड एमिसिएटर। पुअर ये नहीं होता है गरीब, और एमिसिएटर ये नहीं होता है दुर्बल। दुर्बल मतलब होता है परेशान, परेशान मतलब शरीर से भी परेशान और ऐसे भी सताया हुआ, जिसको परेशान कर देते ना लोग बार, वैसे वाला। एंड सेड, और उसने आते ही कहा, क्या कहा? आई एम राजकुमार शुक्ला, मैं राजकुमार शुक्ला हूं, है ना। आते ही कहा उसने कि गांधी भाई मैं राजकुमार शुक्ला हूं, है ना, आई एम फ्रॉम चंपारण, मैं चंपारण से आया हूं, एंड आई वॉन्ट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट, पर मैं चाहता हूं कि आप भी मेरे डिस्ट्रिक्ट में चले, मेरे यहाँ चलो घूमने, मेरे यहाँ की समस्या को देखो, घूमने चल चलो, घूमने के बहाने देख लेना, लेकिन चलो। गांधी हैड नेवर हियर्ड ऑफ द प्लेस, गांधी ने चंपारण नाम आज तक नहीं सुना।
मैं बताऊं आपको, पहले गांव में बसता था इंडिया, शहर में बहुत कम लोग रहते थे। आज भी हमारी लगभग 70-80% जो जनसंख्या है वो आज भी गांव में रहती है ना। तो अब मेरी बात को समझना, अब गांधी ने चंपारण नाम कभी नहीं सुना था। अब गांधी आया कब था, कहाँ सुनेगा बाबरा। गांधी 1869 में पैदा हुआ, 13 साल की उम्र में ब्याह हो गया है ना, 13 साल की उम्र में ब्याह हुआ, 7 साल की उम्र से पढ़ना स्टार्ट किया है ना, चार छुआछूरी करे, ठीक है, हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। हाँ मैं सच बोल रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा। उसके बाद में एक उम्र हो गई तो फिर उसने कहा कि मैं बैरिस्टर की पढ़ाई करवा जाऊंगा लंदन, तो बाबा ने खड़ा दियो फुल पैसा। ये हमारे यहाँ बहुत बुरी स्थिति, गांधी एक गरीब परिवार से आते ना। गांधी फादर वाज मोन दीवान, दीवान दीवान समझते हो, मंत्री। तो गांधी के पास में उस जमाने में इंग्लैंड जाने का पैसा था, सोचो कितना अमीर रहा होगा। और मुझसे कहा जीते गांधी एक बहुत गरीब परिवार से आते, कहा इधर सर नहीं, मैं नहीं मानता। आप कहोगे क्योंकि हमारे यहाँ एक चीज है, हमारे यहाँ मैं कोट कर रहा हूँ उसको, क्या नाम है उनका, स्प्रिंग बोर्ड में पढ़ाते हैं एक टीचर है, बहुत ही शानदार टीचर है, मैंने बहुत सारी चीजें पढ़ी उनसे, मेरे को याद नहीं आ रहा उसका नाम, मुझे याद नहीं कि पतला दुबला सा इंसान है, बहुत अच्छा पढ़ाता है, हिस्ट्री बड़े पढ़ाता है, जसवंत सिंह पे काम कर रहा है वो, इतना प्यारा टीचर है बंदा, राजवीर, आई गॉट द नेम, राजवीर सिंह नाम है उस बंदे। तो भैया वो कहता है कि हमारे यहाँ पे एक रूल है इंडिया के अंदर, जब कभी भी किसी भी व्यक्ति की सफलता को बताना है ना, कि उसे महान बताना है, तो सबसे पहले उसको क्या करो, गरीब। समझ रहे हो कि जितने बड़े नाम मैं लूंगा ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू जब कॉलेज जाते थे ना तो हर चार गेट थे उसके, उस कॉलेज के कितने गेट थे, चार, चारों पे एक गाड़ी खड़ी रहती, क्या पता जवाहर कौन से गेट से निकलेगा। समझो इस चीज को, हमारे यहाँ का सीन ही यही है, जब कभी भी किसी भी व्यक्ति को महान बताना होगा, सबसे पहले उसके जीवन काल को, यानी उसके सबसे निम्न स्तर को गरीब बताया जाएगा। सुभाष चंद्र बोस को ले लो, सुभाष चंद्र बोस ने सिविल सिविल परीक्षा, यानी कलेक्टर था वो बंदा, आईएएस परीक्षा पास की थी उस जमाने, तुम करा के बता दो, अभी नहीं है क्या कलेक्टर बनना, बताओ। अभी भी नहीं है, अभी भी जाम बन जाती है लोगों की, यूपीएससी करने में छोटी मोटी फिल्म थोड़ी ना, इंडिया का सेकंड हाईएस्ट टफेस्ट एग्जाम है आईआईटी। अंग्रेज लोग दो ही चीजें छोड़ के गए, एक तो ट्रेन और एक यूपीएससी। चलो क्लियर करते हैं, गांधी गांधी ने कभी भी नाम नहीं सुना था कि चंपारण साला है कहाँ, है ना। इट वॉज इन द फुट हिल्स ऑफ द टावरिंग हिमालयस, हिमालयस के फुट हिल्स पे। अब फुट हिल्स समझाने के लिए मेरे को आपको थोड़ा सा बोर्ड पे लाना पड़ेगा। फुट हिल्स क्या होते हैं, जैसे ये दीज आर द पार्ट, और ये जो है ना, ये जो लाइन जैसे मामी ने खींची है, इसको बोलते हैं फुट हिल्स, पाओ के वहां, हिमालय के पाओ के यहाँ पर था ये, नियर द किंगडम ऑफ नेपाल, नेपाल के किंगडम के पास, ठीक है, नेपाल राज्य के पास। अंडर एन एंशियंट एग्रीमेंट, पुराने जमाने के समझौते के अनुसार, द चंपारण पीजेंट्स वर शेयर्स ओपर, चंपारण के जितने भी किसान थे वो सब क्या थे, शेयर्स ओपर थे, बटाईदार थे। बटाईदार मैं समझा चुका हूँ आपको, जैसे अपन काम करवाते किसी से, उसको सैलरी न देकर, उसको जमीन का टुकड़ा देकर के, तू इसमें खा भी सही और मेरा काम भी कर। राजकुमार शुक्ला वाज वन ऑफ देम, राजकुमार शुक्ला भी उनमें से एक था। ही वाज इलिटरेट बट रेजोल्यूट, लेकिन वो इलिटरेट तो था, यानी अनपढ़ तो था, अशाक्षर, अशिक्षित तो था, बट रेजोल्यूट था। रेजोल्यूट बोलते हैं दृढ़ निश्चित, निश्चित हो जाना, जिद्दी कह सकते हो आप। ही हैड कम टू द कांग्रेस स्टेशन टू कंप्लेन, वो कांग्रेस स्टेशन में क्या करने आया था, शिकायत करने आया था, किसकी, लैंडलॉर्ड की, जमींदारों की, क्योंकि जमींदार लोग क्या कर रहे थे, अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार, कि बिहार के अंदर जमींदार लोग इनजस्टिस नहीं होता है, अन्याय कर रहे थे। पहले के जमाने की फिल्म में देखी तुमने, देखी होगी, तो उसमें गांव का जमींदार कितना दुष्ट रहता है, गांव वालों को लूटता है, अमरीश पुरी रहता है मोस्टली, जमाई वही है, क्योंकि अमरीश पुरी जी ने बहुत बहुत शानदार नेचर के व्यक्ति थे, जैसा हमें मूवीज में दिखाया गया बिल्कुल उलट उसके, वो उन्होंने एक्टिंग की, वो रियलिटी में ऐसे नहीं थे, वन ऑफ द बेस्ट एक्टर अपने बॉलीवुड में अगर देखा जाए तो वो अमरीश पुरी भी है, ठीक है ना। एंड समबडी हैड प्रोबेबली सेड, और किसी ने कहा उनसे, जब वो वहां आया ना तो वो कंप्लेन करने आया था, तो किसी ने कहा कि मैं क्या लेना है, तो कंप्लेन करवाया छू, कंप्लेन तो गांधी से बात करूंगा, किससे बात करो, गांधी से, देखो आपने साफ साफ बोला है, स्पीक टू गांधी,
गांधी से बात करो। ठीक है भाई, तो गांधी जी के पास आ गया। गांधी जी से जैसे कहता है मैं राजकुमार शुक्ला हूं और मैं आया हूं कि आप मेरे गांव में चलो, है ना, ऐसा कहा। तो गांधी क्या कहता है, गांधी टोल्ड शुक्ला, गांधी ने कहा शुक्ला से, ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर। ये कानपुर जो है ना, ये कानपुर है, यूपी वाला कानपुर। गांधी ने कहा कि भाई देख, मेरी कानपुर में अपॉइंटमेंट है, एंड वॉज ऑल्सो कमिटेड टू गो अदर पार्ट ऑफ इंडिया। और मैंने कमिटेड हो चुका हूँ, मतलब मैंने क्या नाम से इसका वो क्या बोलते हैं ना उसको, मैं सहमति दे चुका हूँ कि मैं कहीं और भी जाऊंगा, मैं फिक्स हो चुका हूँ, अपॉइंटमेंट दे दी मैंने। शुक्ला अकम्पेंड हिम एवरीवन एवरीवेयर, शुक्ला हर जगह गया। शुक्ला क्या करता बेचारा, हर जगह जाता गांधी के साथ, गांधी के पीछे चिपक गया, मतलब गांधी जी के पूंछले बन गया। देन गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद। फिर गांधी कहाँ आया, वापस अपने आश्रम में आया। ठीक है ना, कब आया, सारे काम वाम कर कुरा के। तो गांधी के पास जैसे, गांधी जैसे फ्री हुआ ना आश्रम में, जैसे बेटा जैसे आके कहता है, शुक्ला फॉलोड हिम इन टू द आश्रम। उसने शुक्ला आश्रम में तक भी आया। फॉर वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी साइड, कई सप्ताहों से उसने गांधी की साइड ही नहीं छोड़ी, मतलब गांधी की चिपक गया था वो। हाँ तो मैं बताओ कि देखा हुआ काम, यस फिक्स अ डेट ही बैग। उसने साफ साफ कहा, क्या कहा कि डेट फिक्स करो, फिर डेट फिक्स करो, मार मैं तारीख बदलता खड़ेगा माँ का। अब भाई गांधी जी, गांधी ने क्या करा, उससे प्रभावित हो, ऐसा कौन करता है। एक बार बताओ आप मुझे पढ़ाने के पैसे देते, ठीक है, लेकिन आप में से कई सारे बच्चे जो बोलते हैं कि उन्हें चाहिए क्या, और कई बच्चे होते हैं जो बहुत ज्यादा बोलते हैं, लेकिन एक बच्चा चुप ही रहे, और वो एकदम से कहे सर सर मेरे को प्लीज प्लीज मेरे को द लास्ट लेसन वापस पढ़ा दो। मैंने कहा यार पढ़ा दे यार, बाद में पढ़ाएंगे। उन्होंने सर बताओ कब पढ़ाओगे। मैंने कहा यार 2-5-10 दिन। नहीं नहीं सर बताओ, जल्दी बताओ। मैंने कहा चल ठीक है, सोमवार पढ़ा। तो ऐसे वाला स्थिति होगी थी शुक्ला की, शुक्ला पीछे ही पढ़ेगा गांधी के कि भाई तो फिक्स डेट करो, मां गांव चलो, है ना। इम्प्रेस्ड बाय शेयरस्क्रॉपर्स टेंसिटी इन द प्रवृत्ति एंड स्टोरी, उसके कहानी से भी और उसकी स्थिति से भी प्रभावित हुआ वो। गांधी बोला आई हैव टू बी इन कलकत्ता ऑन सच सच अ डेट, कि मैं फला फला डेट को, अपन कहते ना फला फला डेट को आऊंगा मैं वहां। तो गांधी ने भी कह दिया मैं कलकत्ता आऊंगा इस डेट को, अपने टाइम नहीं बताया। कम एंड मीट मी एंड टेक मी फ्रॉम देयर, वहां आना मेरे पास आना, मुझसे मिलना और मुझे लेके चलना, साफ कह दिया गांधी ने। मंथ पास्ट, महीनों गुजर गए, महीनों गणित सारा गुजर गए, फुल गुजर गए, ठीक है ना। शुक्ला वाज सिटिंग ऑन हिज हॉर्न चेयर एट द अपॉइंटेड स्पॉट इन कलकत्ता व्हेन गांधी अराइव्ड। जब गांधी आया, तो गांधी जब आया ना वो कलकत्ता में जहां पे आना था, तो शुक्ला वहीं बैठा हुआ था पहले से। कैसे बैठा हुआ था, हॉर्न चेयर पे, हॉर्न चेयर बोले तो उकड़ू बैठा हुआ था। उकड़ू बोले तो अपन जैसे बैठते हैं, अपन सुबह सुबह गांव वाले बैठते ना ग्रामीण इलाकों में, जैसे ये दोनों घुटने ऊपर कर लिए इस तरीके से बैठा हुआ था, है ना। ही वेटेड टिल गांधी वाज फ्री, उसने इंतजार किया, फुल इंतजार। कितना इंतजार किया, जब तक गांधी जी ने पूरा काम नहीं सलटा दिया उसका, जो भी इस काम करने आए थे गांधी जी वहां। देन द टू ऑफ देम बोर्डेड अ ट्रेन फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार। फिर दोनों के दोनों, यानी गांधी और राजकुमार शुक्ला, दोनों साथ में बैठ के वहां से ट्रेन ली। उन्होंने कहा के लिए ली, पटना के लिए। पटना कहा है, कहा पटना है, नुमान पटना कहा है, पिछावर में दिक्कत है। चलो ध्यान दो, देयर शुक्ला है, शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ द लॉयर नेम्ड राजेंद्र प्रसाद हु लेटर बिकम प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस एंड इंडिया। फिर वो शुक्ला उनको कहां पे लेके गया, भाई पटना में तो ले आया, पटना में रहते थे राजेंद्र प्रसाद शुक्ला। ए राजेंद्र प्रसाद शर्मा, ये कौन है, हमारे भाई जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने और कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने थे फिर बाद में, तो उनके घर लेके गया। राजेंद्र प्रसाद वाज आउट ऑफ टाउन, राजेंद्र प्रसाद उस समय घर पे नहीं थे, बट द सर्वेंट्स न्यू शुक्ला वाज अ पुअर यो मैन हु पेस्टर्ड देयर मास्टर टू हेल्प द इंडिगो शेयरक्रॉपर्स। यो मैन यानी था किसान, पेस्टर्ड यानी था परेशान करना, कि वो ये जानते थे कि राजकुमार शुक्ला क्या है, एक किसान है जो अक्सर उनके उनके मालिक के पास में आता रहता है। सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड विद हिज कंपेनियन गांधी। फिर उन्होंने क्या करा, भाई तुम रात में आयो, चले एक काम करो, तुम यहीं सो जाओ। किन्होंने कहा, नौकरों ने कहा। राजेंद्र प्रसाद वकील थे, गांधी भी वकील है, ब्रजकिशोर बापू भी वकील है, मौलाना मजरूल हक भी वकील है, और भी बहुत सारे नाम आएंगे, याद करना है, ठीक है ना। तो भैया अब राजेंद्र प्रसाद वहां था नहीं, लेके गए राजेंद्र प्रसाद शुक्ला, राजकुमार शुक्ला लेके गए पटना में गांधी जी को, ठीक है ना।
अब गांधी को भी उन्होंने क्या समझा, दूसरा किसान समझा। अब पहले के जमाने में किसानों को अछूत समझा जाता था, बड़े बड़े लोग टच नहीं करवाते थे किसान से, ठीक है ना। तो बट गांधी वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल लेस सम ड्रॉप्स फुल फ्रॉम हिज बकेट पोल्यूट द एंटायर सोर्स। गांधी जी को, लेकिन गांधी को परमिशन नहीं दी किसने, उनके नौकरों ने, कि तुम पानी मत लेना, हमें जगाना, हम तो जो ऊंचे से पिलाएंगे। पहले के जमाने में ऐसे सीन था। आपको पता है गांधी की जात क्या है? वो बताया गांधी जी की जात क्या है? ब्राह्मण, गुजराती बनिया, गुजराती बनिया जात, ठीक है ना। तो चलो, हाउ डिड दे, हाँ माने बोल सकते हो, गुजराती माने वो बनिया समाज। हाउ डिड दे नो दैट ही वॉज नॉट एन अनटचेबल, क्योंकि उन्हें कैसे पता लगता कि गांधी क्या नहीं है, एक अछूत नहीं। वो तो मगे यार एक बताओ, अभी मैं राजपूत समाज से हूँ, मेरे कहीं के यहाँ शरीर पर लिखा हुआ है क्या कि राजपूत समाज से? अभी तुम फैजान है, फैजान भाई अगर कहीं अजीब जगह पे जाएंगे, हाँ तो क्या फैजान जाएगा, ओ ये आ गया खेल रहा, वही मैं कह रहा हूँ, समझिए। ये हमारी खुद के क्रिएट की गई चीजें हैं। आज अगर मैं तुम्हारे साथ में मोहल्ले में तुम्हारी बारात है, जैसे मैं मान लो नौमान भाई की शादी होगी, ठीक है ना, और अपन सब बारात में जाएंगे नौमान भाई की में, तो जिस के इसके ससुराल में जाएंगे तो वहां के ससुराल में क्या सोचेंगे? हिंदू अपने को नहीं, पहली थिंकिंग होगी उनकी ये अपनी कास्ट के होंगे, ऐसे काम होंगे पहले के जमाने में। अब वो किसान के साथ गया था, गांधी किसके साथ गया था? किसान के साथ गया था। उन्होंने सोचा यो भी किसान ही, लेकिन जो कि गांधी, गांधी वाज गुजराती बनिया। चलो आगे बढ़ते हैं। गांधी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर। गांधी जी ने निर्णय लिया कि वो पहले कहाँ जाएंगे, मुजफ्फरपुर जाएंगे, विच वाज इन रूट टू चंपारण, जो कहाँ पड़ता था, चंपारण के रास्ते में पड़ता था। टू ऑब्टेन मोर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट कंडीशन देन शुक्ला वाज केपेबल ऑफ इम्पार्टिंग, कि भाई इस चीज को जानने के लिए कि भाई क्या मैटर है, क्योंकि देखो शुक्ला उतना ही बता पाएगा जितना उसे पता है। आज एक बार बताओ, तुम मुझे इतना ही मैटर बता पाओगे जितना तुम्हें पता है? जैसे अभी नोमान को नाम याद नहीं थे तो वो नाम नहीं बता पाया, लेकिन जिनके नाम याद थे उनके नाम बता पाया, ऐसे, ठीक है ना। ही अकॉर्डिंगली सेंट अ टेलीग्राम टू प्रोफेसर जेबी कृपलानी। उसने जेबी कृपलानी जी को क्या भेज दिया था? टेलीग्राम भेज दिया था। पहले के जमाने में मैसेज वगैरह, मोबाइल वगैरह, ईमेल आईडी वगैरह चलती नहीं। ये कौन थे भैया? जेबी कृपलानी आर्ट्स कॉलेज इन मुजफ्फरपुर में पढ़ाते थे। Whom he had seen at Tagore Shanti Niketan School. इन्होंने कहाँ पे देखा था इसको? जेबी कृपलानी से मीटिंग कहाँ हुई थी इसकी? टैगोर के शांति निकेतन स्कूल में। ये टैगोर कौन है? ये टैगोर रविन्द्रनाथ टैगोर ही है, ध्यान रखना, इलाहाबाद। टेलीग्राम ही नहीं, टेलीग्राम एक प्रकार का पहले वो मैसेज करने का साधन होता था, जैसे व्हाट्सएप है ना, मोबाइल में था क्या? अरे नहीं, मोबाइल ही नहीं थे, टेलीग्राम एक लेटर की तरह होता था, लेटर धीरे जाता था, टेलीग्राम तेज जाता था, स्पीड पोस्ट की तरह होता था। हमारे जब मैं ट्वेल्थ में था ना, तो हमें टेलीग्राम बनाना पड़ता था, जैसे नोटिस बनाते हो तुम, वैसे हमें पहले टेलीग्राम बनाना पड़ता था जब हम पढ़ते थे ट्वेल्थ में। हाँ, इंग्लिश तो चार नंबर का टॉपिक आता था। द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट। ये ट्रेन कब पहुंची, कहां पे पहुंची भाई? मुजफ्फरपुर पहुंचेगी ना, कब पहुंची? 15 अप्रैल 1917 को मध्य रात्रि में, मिडनाइट बोले तो मध्य रात्रि। बकेट से बाल्टी पोल्यूट नहीं होता, अशुद्ध कर देना। पूरी लाइन की एक हिंदी अनुवाद बताई थी मैंने तुझे। जैसे मान ले गांधी उससे पानी निकालेगा कुएं से, तो उसके हाथ तो मतलब उससे तो अछूत समझाए ना, जैसे वो बाल्टी डालेगा उसकी पूरा पूरा इंटायर सोर्स ही क्या हो जाएगा, पोल्यूट हो जाएगा। कृपलानी वाज वेटिंग एट द स्टेशन विद लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट। अब कृपलानी क्या था, कृपलानी ने देखा कि भाई गांधी जी आ रहे, तो गांधी जी के सामने अभी जैसे नेता लोग आते हैं ना, तो नेता लोग अपनी शक्ति प्रदर्शन कैसे करते हैं, बेजे गिनाते हैं, मुंडे गिनाते हैं, एक मुंडी, दो मुंडी, तीन मुंडी, चार मुंडी। अभी वो हरिप्रकाश जी शर्मा आए थे, हाँ 400 गाड़ी थी कार, 400 के समथिंग ऐसा बोल रहे हैं, मैंने नहीं सुना, मैंने खुद ने भी देखी थी, लेकिन वो 400 नहीं लगी मेरे को, होंगी 400। तो 400 गाड़ी में अगर तीन तीन जने भी होंगे या चार चार जने भी होंगे, तो कितनी ज्यादा जनता लेके आया वो, यहाँ की नहीं थी वो। वो तो शक्ति प्रदर्शन करने आया था, मैं बता रहा ना कांग्रेस के लिए। तो बड़ी बॉडी, क्या नाम था, स्टूडेंटों के साथ में वहां पहुंच गए, जैसे भी मैं हूँ। अब मेरे कोई मिलने वाला है बड़े नेता, बड़ा बंदा, जैसे मान लो राजवीर ही आए, अब राजवीर आएगा, राजवीर सिंह आएगा, अब मैं उसको बढ़िया मानता हूँ यार। जैसे संदीप महेश्वरी आ जाए या कोई भी बंदा आ जाए जो फेमस आ गया, तो मैं किसको लेके जाऊंगा, तुम्हें,
तुमसे कहूंगा मतलब चलो वहां काम करेंगे अपन, मजे लेंगे, मतलब एंटरटेनमेंट होएगा, अपन मिलेंगे बड़े व्यक्ति से, कितना मजा आएगा, तुम भी एक्साइटेड होके। तो सारे सारे स्टूडेंट जेबी कृपलानी के साथ में वहां आधी रात में 12 बजे स्टेशन में पहुंच गए, ठीक है ना। गांधी स्टेड देयर फॉर टू डेज, गांधी मुजफ्फरपुर में दो दिन तक रहा। कहां पे रहा? प्रोफेसर मलकानी के घर पे रहा, प्रोफेसर मलकानी, अ टीचर इन गवर्नमेंट स्कूल के अंदर टीचर था। इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज, उस जमाने में ये क्या थी, बहुत अलग चीज हुआ करती थी। क्यों? अब एक बार बताओ, जैसे सुनो, इसको समझना, मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है ना, और मैं कहाँ हूँ भैया 1917 में, और मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, और मेरे को कौन है गवर्नमेंट, ब्रिटिश। अब मैं ब्रिटिश लोगों के खिलाफ अभी गांधी को रख रहा हूँ मेरे घर पे, तो ब्रिटिश लोगों को पता लगा तो सबसे पहले वो क्या करेंगे, मुझे जोर से निकालेंगे कि तू तो हमारा विरोध कर रहा है। हाँ, यही तो होता है अभी, आपको समझो। जैसे जैसे मान लो मैं लग गया गवर्नमेंट एम्प्लॉई, 2 साल तक तो मेरा ट्रांसफर इधर उधर कहीं भी नहीं होएगा, जहां लग गई पोस्टिंग वहीं मिलेगा। लेकिन फिर बात आती है कि मेरे को देखा जाएगा कि मैं कौन सी पार्टी को सपोर्ट करूँ। अगर मैं बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ तो कांग्रेस की अगर सरकार आ गई तो बीजेपी कांग्रेस वाले मुझे कहाँ फेंक देंगे, जालौर, जैसलमेर, पाली, बीकानेर। क्यों? क्योंकि वो मुझे परेशान, उन्हें पता है कि ये बंदा क्या है, बीजेपी कांग्रेस, ए मतलब बीजेपी। और अगर मैं कांग्रेस की और बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई तो वो फिर फेंके। ऐसे मेरे मिलने वाले थे, उनको फेंका जालौर, और उनकी वाइफ की पोस्टिंग है मालीगढ़ा। ये अब दोनों पति पत्नी पिछड़ा दे बेचारे, सोच अब मतलब कितनी बुरी स्थिति होती है। ये मात्र केवल पॉलिटिक्स के वजह से हम आपको वोट नहीं देते, जिसमें आप हमको इधर उधर फेंक दो। अबे यार, ये तो हमारा अधिकार है, वोट देना किसका 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 फेर। आज मैं तुमसे थोड़ी ना कह सकता हूँ तुम बीजेपी में दो, तुम्हारी मर्जी यार, दो नहीं तो मत दो। तो ये बहुत बड़ी बात थी, इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज, उस जमाने में बहुत बड़ी बात थी कि मैं गांधी, यानी गांधी जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहा था, उसको प्रोफेसर मलकानी ने अपने घर पे ठहराया, ठीक है ना। फॉर अ गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर अ मैन लाइक मी, गांधी बताते हैं कि मेरे जैसे व्यक्ति को हार्बर नहीं होता है, आश्रय देना, मेरे जैसे व्यक्ति को आश्रय दिया था उसने, इन स्मॉलर लोकेलिटी, छोटे शहरों में, छोटे शहरों के अंदर द इंडियन वर अफ्रेड टू शो सिंपैथी फॉर एडवोकेट ऑफ होम रूल, कि इंडियन लोग जो थे ना वो पहले डरते थे, किससे डरते थे भाई, सिंपैथी दिखाने से। कौन सी सिंपैथी दिखाने से भाई, अपने यहाँ के जो वकील है ना उनके प्रति वो सिंपैथी नहीं दिखा, क्योंकि अपने यहाँ के वकील किससे लड़ रहे थे, ब्रिटिश लोगों से। तो वो कहते, वो सोचते थे कि हम तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, हमारे तो सर हमारी जॉब चली जाएगी, जैसे भी अपन डरते हैं ना कि ये नहीं करूँ मैं सपोर्ट नहीं करूँ, खुले तौर पर मैं नहीं बताऊंगा मैं कौन सी पार्टी को वोट देता हूँ, कभी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं बताएगा आप। यहाँ लगाओ निशान, कल करेंगे।